शहर में है बप्पा के अनोखे भक्त, यहाँ होते हैं हर राज्य हर शहर के बप्पा की प्रतिमा के दर्शन। जहाँ भी जाते हैं आकर्षक प्रतिमा साथ लाते हैं, घर की शोभा बढ़ाती हैं बप्पा की आकर्षक प्रतिमाएं। किसी को विदेशी नोट एकत्रित करने का शौक होता है, किसी को घूमने का शौक होता है, लेकिन शहर में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें बप्पा की प्रतिमा एकत्रित करने का शौक है। इनके पास एक नहीं बल्कि सैकड़ों प्रतिमाएं हैं जो हर राज्य हर शहर से एकत्रित की हुई हैं। क्योंकि ये लोग जहां भी जाते हैं वहां से कुछ और नहीं केवल बप्पा की प्रतिमा ही लाते हैं। यही वजह है कि इनके घर में शोपीस नहीं बल्कि बप्पा ही नजर आते हैं। ये भक्त हैं लालपुरा निवासी होटल व्यवसायी रामकृष्ण भावसार, जिन्होंने बप्पा की हर तरह की प्रतिमा अपने घर में रखी हुई है। मेरे पिताजी ने प्रारंभ करी थी, मेरे पिताजी को इससे बहुत प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि मेरे पिताजी सर्वप्रथम पहले उदयपुर गए थे, वहाँ पर कहीं पर इन्होंने कलेक्शन देखा था और उसके बाद उन्होंने अपने घर पर इस चीज़ को संग्रहालय के रूप में रखने का एक प्रण बनाया। और धीरे 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 मेरे पिताजी कहीं पर भी जाते रहे, कहीं घूमने वगैरह हिल स्टेशन वगैरह या कहीं पर भी वहाँ से जैसे भी देते थे गणेश जी वगैरह, वो कलेक्शन करके अपने घर पर मैंने एकत्रित करे उन्हें पिताजी ने। और ये करीबन 10-15 साल से ये चला आ रहा है इस कार्य को। मेरे पिताजी का देहांत के बाद इस कार्य को मैं अपने निरंतर अपने प्रयासों के अनुसार इसको आगे बढ़ाता जा रहा हूँ। और ये मेरी प्रेरणा है कि मैं इनको और आगे भी करना चाहता हूँ, मेरे से जितना बने उतना मैं इस कार्य को बढ़ाता जा रहा हूँ। ये मेरे पीढ़ी दर कार्य चलेगा। ये मेरे पिताजी के बाद गणेश जी विसर्जन के टाइम इनको विसर्जित नहीं करते हैं, हम इनको एक संग्रहालय कलेक्शन के रूप में इनको हमने स्थापित कर रखा है। ये हमेशा मेरे प्रेरणादायी है, ये मुझे हमेशा मार्गदर्शन देते रहते हैं और ये मेरे हर कार्य को सफल करते हैं। और सभी मेरी समस्या मेरे परिवार सुख दुख सब में ये मेरे साथ ही रहते हैं और मेरे परिवार इनसे सदा आशीर्वाद बनाए रखते हैं। बस स्टैंड पर होटल का व्यवसाय करने वाले रामकृष्ण और उनके परिवार के दिन की शुरुआत बप्पा की आराधना से होती है। इसके बाद ही वे घर से निकलते हैं। केवल वे ही नहीं बल्कि उनके घर का हर सदस्य बप्पा को प्रणाम कर और उनका आशीर्वाद लेकर ही घर से निकलता है। वे बताते हैं कि जब भी हमने खुद को संकट में पाया बप्पा ने हमें उससे उबारा है, इसलिए हमारे पूरे परिवार की उनसे विशेष आस्था है और गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी पर्व तक उनकी यहाँ विशेष आयोजन होते हैं।